खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के हित में फैसले ले रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार ने लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से कानून बना है और जिस तरह से कानून में धाराओं का प्रोविजन किया गया है, और जब ये लागू होगा तो निश्चित तौर पर कम से कम उन छात्रों को अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वो नकल नहीं करेंगे और नकल की ओर प्रेरित नहीं होंगे। और उसी तरह जो संस्थाएं इस तरह के कृत्य में रहती हैं और जो अधिकारी इस काम को करने में लिप्त रहते हैं, वो एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि भाई हमको ये काम कैसे करना है और क्यों करना है।